हेलो एवरीवन, प्लेयर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यापम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो व्यापम की प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन को लिया था, और उस इस वीडियो में मैं उससे आगे के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए मैंने ये जो सीरीज को आगे बढ़ाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द बॉय ब्लैंक इज वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माय कजिन। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है हु, हुम, हुज, विच। चलिए तो आप गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को आप थोड़ी देर पोस्ट कर सकते हैं, देन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो चलिए आप 2 मिनट को पोस्ट कर लीजिए, देन आंसर को फाइंड आउट कीजिए, मैं आंसर को कंटिन्यू करता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो इसका आंसर है वो है हु। अब ये हु यहाँ पे कैसे हमने पुट किया, तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन से, और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, हुज, विच और एक और होता है दैट। तो इनका यूज किस तरीके से होता है कि हु जो होता है वो एक सब्जेक्ट फॉर्म होता है, और हु को हम यूज करते हैं वर्ब के पहले। उसी तरीके से हुम जो होता है ये इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है। और हुज जो होता है ये एक पजेसिव केस होता है जिसको हम नाउन के ठीक पहले यूज करते हैं। कोई भी पजेसिव जो केस होता है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में ब्लैंक के ठीक बाद में हमको वर्ब दिख रही है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस जो है वो है हु। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन का आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे हु। ओके, तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द सेम मैन ब्लैंक हैज स्टोलन माय वॉच। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से लिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं हु, हुम, हुज एंड दैट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हु इज अ सब्जेक्टिव केस, सो हैज को हमको यूज करना होगा। हैज एक वर्ब है और हैज के पहले हमको यूज करना होगा हु, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस होता है उसमें द सेम, द सच या द ओनली इस टाइप का अगर कोई भी एडजेक्टिव होता है तो उस केस में हमको यूज करना होता है दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दैट। चलिए तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, शी ब्लैंक अ कार 2 years ago। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये लिया हुआ है टेंस से। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको 4 फॉर्म दिए है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बॉट, ये बाय के सेकंड फॉर्म है। बी ऑप्शन है हैड बोट, सी ऑप्शन है हैड हैज बोट, और डी ऑप्शन है ब्रिंग। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, जो डी वाला ऑप्शन है वो तो यहाँ पे किसी भी केस में नहीं आ सकता है, क्योंकि शी के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हमको वर्ब में एस एड करना होता है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में लिखा है 2 years एगो, मतलब ये सेंटेंस बात कर रहा है 2 साल पहले की, मतलब पास्ट की, और यहाँ पे हमको यूज करना होगा पास्ट सिंपल टेंस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, बॉट, शी बॉट अ कार 2 years एगो। आई थिंक ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा जो अगला सेंटेंस है, सेंटेंस से पहले मैं आपको यहाँ पे एक रूल और बता देता हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस होता है और उसमें अगो या लास्ट ईयर या इट इज टाइम होता है, तो उस केस में हमको यूज करना होता है पास्ट सिंपल टेंस। जैसे यहाँ मैंने सेंटेंस भी दिया है कि आई वेंट टू बॉम्बे लास्ट ईयर। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो है फॉन्ड इन, फॉन्ड, फाउंडेड, फाउंड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। तो आप गेस कीजिए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ से मीनिंग होता है, फॉन्ड का मीनिंग होता है शौकीन। तो ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, दैट मीन्स कि ये जो है वह क्लासिकल म्यूजिक का बहुत ही शौकीन है। और यहाँ पे जो फॉन्ड है इसके साथ में हमको फिक्स प्रीपोजिशन यूज करना होती है ऑफ। कुछ और मैं आपको एडजेक्टिव यहाँ बताता हूँ, जैसे वर्ब्स की अबाइड के साथ हमको यूज करना होता है बाय,
रिले के साथ हमको यूज करना होता है ऑन, इसी तरीके से रिफ्रेंड फ्रॉम, एब्सटेंड फ्रॉम। तो यहाँ पर फॉन्ट के साथ जो हमको प्रिपोशन यूज करनी होती है वो करनी होती है ऑफ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। चलिए ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आई ब्लैंक हिम सिंस 2008। अब ये जो सेंटेंस है ये टेंस से लिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दिए हैं न्यू, नो, हैव नोन एंड विल नो। अब यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस सिंस या फोर से रिलेटेड होता है तो उस केस में हमको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो उसके प्लेस पे हम परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, आई हैव नोन हिम सिंस 2008। दैट मीन्स कि वैसे भी सेंटेंस में कोई कंटिन्यूटी नहीं है तो इस वजह से हम परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंड आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आई हैव नोन हिम सिंस 2008। ओके, तो ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको सिनोनिम्स बताना है फ्रेजाइल का। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो है कॉर्पुलेंट, ब्रिटल, एक्स्ट्रावेजेंट एंड पेक्यूलियर। तो फ्रेजाइल का जो सिनोनिम्स है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। ये सेंटेंस वन वर्ड फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो अगर ये सेंटेंस आपको वन वर्ड फॉर्म में पूछा जाएगा तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा द थिंग्स विच इज ब्रोकन इजिली, मतलब कोई भी चीज जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। तो यहाँ पर फ्रेजाइल के जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल, ब्रेकेबल एंड फिबर। ब्रिटल वर्ड को आप ब्रिटानिया बिस्किट से याद रख सकते हैं, जो ब्रिटानिया बिस्किट है वो ब्रिटल से बना हुआ है कि बहुत ही कुरकुरा होता है, मतलब इजीली आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। तो अगर इसका वन वर्ड फॉर्म बनता है तो वो बनता है कि द थिंग्स विच इज ब्रोकन इजीली। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल, ब्रेकेबल और फिबर। फिबर से मीनिंग होता है कमजोर, जो बहुत ही कमजोर होता है जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे सिनोनिम्स के क्लियर हो गए होंगे। तो हम अब चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो फ्रेजाइल का यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है वो कॉर्पुलेंट, तो ये नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं ब्रिटल, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इनके मीनिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है मोटा, जो फैटी होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पुलेंट। एक्स्ट्रावेजेंट दैट मीन्स कि द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, जो पर्सन बहुत ज्यादा ही पैसा खर्चा करता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेजेंट। और एक्स्ट्रावेजेंट के जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं लेविश, इसके अलावा स्पेंड थ्रिफ्ट, और इसके अलावा प्रोडिगल होता है। चलिए नेक्स्ट जो डी वाला ऑप्शन है वो है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर से मीनिंग होता है कि द पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेक्यूलियर। पेक्यूलियर से मीनिंग होता है एक तरह से एबनॉर्मल, या जिसको एबरेंट हम बोल सकते हैं, द पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। चलिए तो ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, फ्रेजाइल ब्रिटन। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनोनिम्स ऑफ प्रोडिगल। तो प्रोडिगल जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, प्रोडिगल मीनिंग होता है कि द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है दैट इज कॉल्ड प्रोडिगल। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है म्यूलिश, दूसरा है पर्सिमोनियस, थर्ड है लेविश एंड डी ऑप्शन इसका इकोनॉमिकल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लेविश। ये क्वेश्चन भी वन वर्ड फॉर्म में पूछा जाता है, द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, तो इसका ऑप्शन एक्स्ट्रावेजेंट, लेविश या हो जाएगा प्रोडिगल। अगर आप बाकी जो ऑप्शन है इनके मीनिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्ड है म्यूलिश, म्यूलिश से मीनिंग होता है ऑब्स्टिनेट, सन की टाइप का जो आदमी होता है, स्टबन भी उसको बोलते हैं, रिजिड, स्टबन, ऑब्स्टिनेट। और पर्सिमोनियस का मीनिंग होता है द पर्सन हु ट्राइज टू सेव मनी एज सून एज पॉसिबल, मतलब जब भी कभी पॉसिबल होता है वो पैसे को बचाने की कोशिश करता है, तो ये पर्सिमोनियस होता है, जिसका मीनिंग होता है कंजूस। लेविश मीनिंग मैंने जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी। एंड इकोनॉमिकल मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक तरीके से पैसा खर्चा करता है, ये जो इकोनॉमिकल है ये लेविश का ऑपोजिट होता है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सिनोनिम्स ऑफ फ्रेश,
ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता होगा, फ्रेश का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सॉरी, यहाँ पर फ्रेश का एंटोनिम्स इसने पूछा है, तो आप इसको एंटोनिम्स कर लीजिएगा। एंटोनिम्स क्या है फ्रेश का, चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेश का जो एंटोनिम है, फर्स्ट वर्ड है श्योर, SOUR, नेक्स्ट वर्ड है बिटर, नेक्स्ट है स्टेल, और इसका उल्टा है लेट। तो फ्रेश का जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा स्टेल। स्टेल का मीनिंग होता है बासी, और फ्रेश का मतलब होता है ताजा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक, सॉरी ही इज ब्लैंक एल्कोहल। यहाँ पे चार ऑप्शन है, एडिक्टेड विथ, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड ऑफ, एडिक्टेड OFF। अब आपको यहाँ पे बताना है कि एडिक्टेड के साथ में कौन सी प्रिकॉशन यूज होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके साथ आपको क्या प्रिकॉशन यूज करना है। एडिक्टेड के साथ में जो हमेशा यूज प्रिकॉशन यूज होती है वो होती है टू, एडिक्टेड टू, और इसका मीनिंग होता है लत लग जाना या आदी हो जाना। तो ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द मास्टर एंड हिज डॉग्स प्लैंक वोन द प्राइज वर ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन से, और इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन पहले भी ले चुके हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है दैट, हु, हुम, विच। अब अगर जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे वोन से पहले हमको हु का यूज करना चाहिए, बट इस सेंटेंस में द मास्टर एक पर्सन को लिया है, फिर डॉग को भी लिया है। तो पर्सन के लिए जनरली रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है हु, एंड डॉग के लिए यूज होता है विच। लेकिन इसमें मास्टर एंड डॉग दोनों को इंक्लूड किया है, दोनों को एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दैट। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बनेगा और दोनों की वजह से हमको यहाँ पे यूज करना होगा दैट। अगर यहाँ पर केवल मास्टर होता तो हम हु का यूज करते हैं, और अगर केवल डॉग होता तो हम विच का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने दोनों को एंड से जोड़ दिया है, तो इस वजह से हमको यहाँ पर जो ऑप्शन यूज करना होगा वो होगा दैट। तो आई थिंक ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसकी जो अगली सीरीज है वो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। उसके लिए बस आपको कमेंट करना होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कभी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम।